नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और खबर जुड़ी हुई है रोहित शर्मा, अजीत आगरकर और राहुल द्रविड़ की बैठक से, जिसको लेकर काफी खबरें अभी तक आप सुन चुके होंगे, लेकिन अंदर की क्या बात है, क्या पूरी कहानी है, वो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। करीब करीब ये जो बैठक है वो 2 से 2.5 घंटा बैठक ये चली थी, और सबसे पहले ही मैं ये साफ कर दूं कि हार्दिक पांड्या की जगह पर कोई भी सवाल नहीं है, हार्दिक पांड्या को लेकर कोई भी चिंता की बात नहीं है, और हार्दिक पांड्या जो है वो T20 वर्ल्ड कप में होंगे या नहीं, इसके लिए तो थोड़ा सा आपको वीडियो आगे तक देखना होगा। 5 पॉइंट्स में मैं आपको पूरा समअप कर दूंगा कि आखिर क्या क्या चर्चा हुई है, किन मुद्दों पर थोड़ा सा ध्यान गया है, और ये चर्चा कोई ऐसी चर्चा नहीं थी जिसको लेकर आप ये कहें कि ओह बड़ी ही परेशानी का सबब है। देखिए, अभी आईपीएल चल रहा है, उसके बीच में अजीत आगरकर मुंबई में थे, ये दोनों खिलाड़ी मुंबई में थे, रोहित शर्मा थे और राहुल द्रविड़ थे, तो दो बैठक हो गई, एक मीटिंग हो गई एक तरीके से, और वहीं पर T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से उसको, क्योंकि टीम अनाउंस करनी है तो उसको लेकर एक पूरा खाका, मैं ये कहूंगा, जो कि पहले से ही तैयार था। अगर आप ये चैनल देखते हैं आपको पता होगा तो 10 नाम जो है वो पूरी तरह से फाइनल है, 5 नामों को लेकर अभी भी वही सवाल है, लेकिन वो क्या सवाल है, कौन से 5 नाम, 5 पॉइंट्स में मैं आपको ये पूरा बता देता हूं। शुरुआत करते हैं, पहला और मुख्य बिंदु जिस पर इन तीनों के बीच बातचीत हुई है, और वो हार्दिक पांड्या नहीं है मेरे दोस्त, वो मुद्दा है पेसर्स को लेकर, और ये तेज गेंदबाजी को लेकर इन दोनों, इन तीनों ही जो मैनेजमेंट कह लें, टीम मैनेजमेंट टीम इंडिया का, उनके बीच में एक खासा चर्चा हुई है। इसका मुद्दा ये है कि मोहम्मद शमी वो इंजर्ड हैं, वो वर्ल्ड कप आपको खेलते हुए नहीं नजर आने वाले हैं, और इस वजह से टीम इंडिया की जो चिंता है, रोहित शर्मा की जो चिंता है, द्रविड़ की जो चिंता है खासतौर पर, वो बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सिराज कंटिन्यूअस फेल हो रहे हैं। अब ऐसे में कोई जादू की छड़ी तो आएगी नहीं कि मोहम्मद सिराज जो है वो कुछ कमाल करने लग जाएंगे, तो उनके जगह को लेकर काफी सवाल है। वहीं अगर आप अर्शदीप का परफॉर्मेंस देखें, 1-4 विकेट हॉल जरूर लिया उन्होंने, लेकिन उसके अलावा जो मैचेस देखेंगे वहां पर कुछ खास किया नहीं, और जसप्रीत बुमराह के पार्टनर के तौर पर कोई विकल्प आपको मौजूदा तौर पर नहीं नजर आता सिवाय एक नाम के, और वो एक नाम भी अभी फिलहाल इंजर्ड होके बाहर है, और कुछ ही मैचेस में उसने प्रदर्शन किया, वहीं से लग गया कि भाई ये खिलाड़ी तो होना चाहिए, ये खिलाड़ी तो टीम इंडिया का खिलाड़ी है। मयंक यादव का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो कंटेंशन में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हिप इंजरी के बाद वो आएंगे, थोड़ा सा हल्की सी स्वेलिंग थी उनकी, एमआरआई में निकल कर आया हिप में जरा सी स्वेलिंग थी, जिसके बाद 20 अप्रैल का एक डेट दिया गया है जस्टिन लैंगर द्वारा, जो कि एलएसजी के कोच है। लेकिन इस पर ये जो पेसर्स हैं वो कौन होंगे जो जसप्रीत बुमराह का साथ देंगे, इसको लेकर ये पहला मुद्दा था जिस पर लंबी चर्चा हुई है। दूसरा मुद्दा भी मैं बता देता हूं, वो भी हार्दिक पांड्या से रिलेटेड नहीं है, मैं दुखी कर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन सच बताना मेरा काम है, फेक न्यूज फैलाना आप लोग की मर्जी। तो दूसरा जो मुद्दा जिस पर चर्चा हुई है वो इस बारे में हुई है कि जो टीम इंडिया है T20s के अंदर जहां पर स्ट्रगल करती है वो है ऑलराउंडर्स का स्लॉट। अगर आप भारतीय टीम को पिछले काफी समय से देखें तो भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी लाइनअप है वो 7 नंबर तक खत्म हो जाती है, और यही एक बड़ा चिंता का विषय इन तीनों के बीच में रहा कि आखिर वो कौन से स्लॉट्स हैं जहां पर हम ऑलराउंडर को फिट इन कर सकते हैं। अब यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, जैसे रविंद्र जडेजा के साथ अक्षर पटेल, ये हाईली लाइकली आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। नंबर दो बात जो चर्चाओं में, जैसे कि अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन खिलाड़ियों ने भी कोई पहाड़ तोड़ दिया है या इस आईपीएल में अभी तक वो कमाल कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दीपक चाहर की, और मैं बात कर रहा हूं शार्दुल ठाकुर की। क्या इनके नाम पर एक बार फिर से विचार करेगी टीम इंडिया, तो ये देखना होगा। और निचले क्रम पर कौन ऐसे बल्लेबाज हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये एक विषय रहा है, और ये लंबी चर्चा का विषय है कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जिनको हम टटोल सकते हैं। अब आप बिल्कुल ही रॉ खिलाड़ी को सीधा वर्ल्ड कप में नहीं ले जा सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है। अब ऐसे में हमारे पास ऑप्शंस बड़े गिने चुने हैं, तो ये जो ऑलराउंडर का स्लॉट है वो एक बड़ा मुद्दा है।
अब तीसरा जो नाम है वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे सकता है, और वो नाम है बैकअप बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे का। शिवम दुबे ने खास तौर पर शानदार बल्लेबाजी की है। जिस जगह पे वो आए हैं, जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं तुलना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो युवराज सिंह की याद दिला रहे हैं। नंबर चार पर आकर जिस तरीके से चार पांच के स्लॉट पर वो बल्लेबाजी करते हैं मेरे दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई भी और इस समय टीम इंडिया में नहीं कर रहा है। और जो फ्लैम्बॉयंस है शिवम दुबे का, वो एक अलग ही है। और पहले उनकी तकलीफ जरूर हुआ करती थी रॉ पेस और शॉर्ट पिच गेंदबाजी, लेकिन अभी अगर आपने उन्हें फॉलो किया हो तो वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी रफ्तार सबको एक ही तरीके से हांक रहे हैं, एक ही मार मार रहे हैं। तो ये शिवम दुबे का नाम जो है वो सीरियस कंटेंशन में है, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। इसके बाद अब आप आ जाइए कि हार्दिक पांड्या का, इसी के साथ में जोड़कर आपको बता देता हूं, हार्दिक पांड्या की जगह को लेकर कोई सवाल फिलहाल अभी तक कोई नहीं है। हार्दिक पांड्या की सिर्फ एक चीज को लेकर सवाल है, और वो है उनकी फिटनेस। इसके अलावा उनकी जगह को लेकर, क्या वो गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी बेकार कर रहे हैं, इस सब को लेकर कोई सवाल नहीं है। इस साल के जो आईपीएल के आंकड़े अभी तक देखे, पहले 6 मैचों के, तो उन्होंने 131 रन बनाए हैं, अहम मैचों में फेल हो गए हैं और फिनिशर का रोल वो निभा नहीं सके हैं। इनफैक्ट स्ट्रगल करते, टीम को फंसाते ज्यादा नजर आए हैं। गेंदबाजी में कुल उन्होंने 4 मैचों में गेंदबाजी की है, 2 में नहीं की है। जिन 4 में की उनमें कुल 11 ओवर फेंके हैं, लेकिन इकोनमी 12 की रही है। अंतिम ओवर में हाईलाइट वही, जो धोनी के 3 छक्के, उनको वो अब उनके साथ जोड़कर देखे जाते रहेंगे। तो ये हार्दिक पांड्या जो है उनकी जगह को लेकर कोई सवाल नहीं है। मैं आपको एक गारंटी दे देता हूं, हार्दिक पांड्या आपको T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आने जा रहे हैं। हां, और नंबर दो बात, गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, देखिए मेरे से अगर आप न्यूट्रल होके पूछेंगे तो मैं तो ये सवाल जरूर पूछ रहा हूं आपसे कि क्या अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाज नहीं है तो क्या उनकी टीम इंडिया में जगह बनती है? अगर हार्दिक पांड्या वो 145 की गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, 140-145 की रेंज में, तो क्या वो हमारे लिए जरूरी है? और अगर उनकी गेंदबाजी पे 12 की इकोनॉमी से रन जा रहे हैं, कुल उन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं 6 मैचों में, तो दोस्त फिर क्या उनकी हमें जरूरत है? ये लेकिन मेरा न्यूट्रल व्यू है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जगह को लेकर कोई सवाल नहीं है। ये फैक्चुअल बात मैं आपको बता रहा हूं, फेक न्यूज को हटा रहा हूं, सच बता रहा हूं। तो हार्दिक पांड्या की जगह को लेकर कोई सवाल नहीं है दोस्त, किसी की बातों में भरोसा मत करें। और अब इसके साथ ही मैं आपको और आगे बता देता हूं जो दो बाकी के मुद्दे हैं। एक वो मुद्दा नहीं है, एक तरीके से मैं ये कह लूं कि थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ा दी गई है विकेट कीपर के स्लॉट को लेकर। विकेट कीपर का जो स्लॉट है, वहां पर अब जो बाकी नाम थे वो रेस से बाहर होते जा रहे हैं, जिनमें जितेश शर्मा है, जिनमें ध्रुव जुरेल है, ये आपको रेस से बाहर नजर आ रहे हैं। फाइट में अब केएल राहुल, ऋषभ पंत मेन कंटेंडर्स हैं, और साथ ही साथ मैं संजू सैमसन को भी इसमें आपके लिए शामिल कर दे रहा हूं। तो ये एक तरीके से फाइनलाइज हो गया है, जो विकेट कीपर का स्लॉट है वो इन 3 में किसी एक को जाने वाला है, यानी कि 2 को जाने वाला है, 1 बाहर होगा। तो ये कुल मिलाकर ये 4 बातें थी। पांचवा और जो पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा कोई उसके उस पर चर्चा नहीं थी, ना कोई बात थी, हालांकि ना कोई किसी को कोई लेना देना था, लेकिन मैं फिर भी वो पॉइंट बता दूं कि ओपनर्स का जो स्लॉट है वो विकेट कीपर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर चर्चा, क्योंकि भारत का जो कॉम्बिनेशन है वो इससे जुड़ा हुआ है। और मैं आपको टीम दिखाकर, स्क्वाड दिखाकर वो सारी चीजें क्लियर करता हूं। जो ओपनर्स का स्लॉट है उसको लेकर ये 5वां बिंदु है, ये पूरी आपको इस तरीके से टीम नजर आ सकती है, स्क्वाड नजर आ सकती है। फिलहाल जितनी बातें हैं यहां पर, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है रोहित शर्मा के साथ ओपनर, मेरे विचार में इस वक्त शुभमन गिल काफी आगे हैं बतौर ओपनर, और वो आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। ये फिलहाल अभी का जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूं। यशस्वी जायसवाल जरूर इन द मिक्स हैं और वो भी पिक हो सकते हैं, लेकिन फिर एक स्लॉट जो है मिडल ऑर्डर की, यानी कि शिवम दुबे की, उस पे सवाल उठ जाएगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, इनकी जगह पे कोई सवाल नहीं है।
चले गए, वो पुरानी कहानियां जो आपको बेवकूफ बनाती थी, ईशान ये करेगा वो करेगा। और जो नंबर 5 का जो विकेट कीपर का स्लॉट है, वहां पर साफ है कि अब जो फाइट है वो केएल संजू पंत इनमें आपको नजर आती है। ईशान किशन को आप इंक्लूड करना चाहें कर लें, लेकिन वो तब होगा जब ईशान ओपनर्स की जगह ले। तो क्या आप शुभमन गिल या यशस्वी की जगह एक विकेट कीपर को खिलाकर रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहेंगे? ये एक सवाल होने जा रहा है। फिर आपको हार्दिक पांड्या, वो आपको बिल्कुल टीम में नजर आएंगे, इनफैक्ट बतौर वाइस कैप्टन ही हो सकता है वो आपको दिखाई दें, नहीं तो और तो कोई वाइस कैप्टन का कंटेंडर सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह दिखते हैं। एनीवे, तो ये आपको नंबर 5 पर 6 पर दिखाई देंगे। शिवम दुबे का नाम आपको मोस्ट लाइकली दिखाई दे सकता है स्क्वाड में। साथ ही साथ रिंकू सिंह 100% रहेंगे, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और यहां पर अक्षर पटेल, ये एक नाम जो है ये अब पिप कर सकता है। जो मैंने चर्चा बताई आपको ऑलराउंडर्स को लेकर जो चिंता है, जो बल्लेबाजी क्रम को थोड़ा नीचे तक ले जाने वाली बात है वहां पर, लेकिन रवि बिश्नोई को फिर आप कैसे पीछे छोड़ेंगे, ये एक सवाल रहने वाला है। जसप्रीत बुमराह की जगह पक्की है, लेकिन उनके साथ विकेट पेसर कौन? क्या अर्शदीप, क्या दीपक चहर, क्या मयंक यादव? क्या उनकी इंजरी का खतरा नहीं होगा? क्या रॉ पेसर को हम सीधा खिला देंगे? क्योंकि है नहीं और कोई विकल्प नहीं है, और इसीलिए जो चर्चा हुई है वो सबसे बड़ी चिंता पर हुई है, और वो है पेसर्स का स्लॉट, माय फ्रेंड, कि पेसर कौन होगा। लेकिन प्लेइंग 11 लाइकली आपको क्या दिखाई दे सकती है, वो इस तरीके से आपको प्लेइंग 11 दिखाई दे सकती है। हालांकि ये मैंने अपनी प्लेइंग 11 बनाई है। अगर आप हार्दिक को शामिल कर रहे हैं तो उस पर पांचवें गेंदबाज की भरोसा आप दिखाएं, और अगर आप उसको छठे गेंदबाज के तौर पर शामिल करना चाहेंगे तो फिर या तो शुभमन की जगह जाएगी ओपनिंग स्लॉट में, और केएल अगर टीम में होते तो वो ओपन करेंगे, या फिर कोई और विराट के साथ ओपन करेंगे, और या फिर रिंकू सिंह की जो जगह है वो फिर जाएगी अगर आप छठे बॉलर के लिए जाओगे, जो कि मोस्ट लाइकली सिनारियो है। भारतीय टीम 6 गेंदबाजों के साथ अमूमन जाती है, और निचले क्रम पर आपको जडेजा, अक्षर, चहर टाइप जो 9 नंबर तक बल्लेबाजी है वो उस तरीके से भारतीय टीम रखने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि शिवम दुबे को अगर आप ये कहें कि वो गेंदबाज हैं तो फिर तो सवालिया निशान है। लेकिन आप इस पूरी चर्चा के बारे में, इस पूरे मीटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ में आपकी क्या राय है कि किस तरीके से इस स्क्वाड में कहां पर बदलाव होना चाहिए और कैसी प्लेइंग 11 होनी चाहिए, वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप भेजें, और साथ ही साथ अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। बाय बाय।